Here we go. तो बूस्ट दबाते ही छलांग मार दी अपने पैराशूट को, यहीं से खोल लेना है और मेरा पैराशूट नहीं खुल रहा। तो जी हाँ भाई और बहनों, ओए आते ही हमारा उद्घाटन हो गया गाड़ी ठोकने का। तो एनीवेज, तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बारी फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल जबादी पर। मेरा नाम है बम्मी और ये है मनी की सीरीज। आपको तो पता होगा कि हम बैंक लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे प्रेपरेशन मिशन जो होते हैं बैंक मिशन के, जो बैंक हाइस के प्रेपरेशन मिशन है, सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं और अभी हम फाइनल मिशन जो कि है वो करने वाले हैं। और फाइनल मिशन, अरे अरे भाऊ, मेरे जूते नहीं लेने, आर्मर लेना है यार। पार्टी में नहीं जा रहे यार, बैंक लूटने जा रहे हैं। तो बैंक लूटने का फाइनल मिशन शुरू करने से पहले मैं आर्मर वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार बैंक लूटने में बहुत सारी पुलिस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आर्मर ले लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं संजय की दुकान पे। और संजय की दुकान से हमने खाने पीने का सामान लेना है, अंडे लेने हैं, थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह लेनी है। तो आपको पता है कि जैसे ही पुलिस आपके ऊपर गोलियाँ मारती है तो आप अंडे वगैरह खा के, ड्रिंक्स वगैरह पी के आप अपनी हेल्थ जो है वो रीजनरेट कर सकती है। और मेरे पास बिल्कुल स्नैक्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि संजय की दुकान पर जाके हम थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह को फिल कर लेते हैं। तो ले रही हमारे संजय की दुकान। तो संजय भाई कैसे हो, बहुत हेल्दी लग रही है यार, थोड़ा बहुत रंग आपका सांवला पड़ चुका। तो धूप में मत घूमे करिए प्लीज़, ये मैं आपको क्रीम दूंगा बाद में, बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, तो वो लगा के आप एकदम गोरे चिट्टे हो जाओगे। तो प्लीज़ हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं ले चुका हूँ। तो संजय की दुकान से निकलते हैं और अभी हम सीधा जाएंगे लेस्टर के पास और लेस्टर हमें समझाएगा। तो नोटिफिकेशन लेस्टर का मेरी फ़ोन के ऊपर आ चुका है और बिल्कुल गाइस प्लीज़ रेडी हो जाओ, लेस्टर जो कह रहा है उसकी बात आपने माननी है। और बंदर वाले मुँह, तो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ तो कर लियो यार, ये बहुत बड़ा मिशन है यार, प्लीज़। ओके, कोई मैसेज आउट नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना। तो लीजिए हम मिशन को यहीं से शुरू करते हैं। तो लीजिए भाइयों, बिल्कुल डायरेक्टली अपार्टमेंट के अंदर आ चुका हूँ और बिल्कुल सामने मेरे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है पैसिफिक स्टैंडर्ड जॉब, जिसका मतलब ये है कि ये है पैसिफिक हाइस की फाइनल मिशन, जिसके अंदर हम वाकई में बैंक के अंदर जाके लोगों का तंग करके, जो बैंक के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी कान पट्टी पर बंदूक धर के हम बैंक लूटेंगे। और पैगो वाले मुँह, बंदर वाले मुँह, ऑनलाइन के मिशन करते वक्त आपने एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो बंदा आपकी हेल्प कर रहा है उसको कभी धोखा नहीं देना आपने। तो हमारा शेयर जो है $1,000,000 है और हम 25% सबको दे देंगे, ताकि सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर का हिस्सा सबको मिलना चाहिए। और इस काम के लिए आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो। मैं टेसराक लेके जा रहा हूँ और टेसराक को चलाने का अपना ही मज़ा। तो कुछ मतलब कि पाँच, ओए आ गया, गुस्सा मत करिए लेस्टर। ओके अभी सुन लेते हैं क्या कहने वाला है। ओके क्राउड कंट्रोल, समझ गए क्राउड कंट्रोल की, ओए समझ गया क्राउड कंट्रोल की क्या जॉब है यार, तू आगे भाग। ऑलराइट समझ गए। तो बिल्कुल यार बोल को सॉब हमारे, ओए अबे आराम से आ जाओ यार, लड़ने यार हम कार पार्क नहीं ढूंढ ले यार, हम ये पार्टी में नहीं आए, हम बैंक लूटने आए, प्लीज जरा यार मौके को समझो यार। ये हर बात इनकी नौटंकी यार होती ही रहती है 100%, जब भी मिशन करो तो इनकी नौटंकी यार हमेशा देखनी पड़ रही है मुझे यार, प्लीज। ओके वी आर राइट इन द बैंक, तो आते ही मैंने गार्ड को धुआं कर दिया और हम हैं, मेरा नाम है, मैं हूँ डेमोलिशन, तो मेरा काम है मैं हैकर हूँ। ओके आई एम हैकर। और वो हमारा सामने वाला बंदा जो है वो है डेमोलिशन, तो वो हमने मैरी वेदर के जो चार्जेस हमने चोरी किए थे उसकी मदद से वो दरवाज़ा तोड़ देगा। और हमारे बंदर वाले मुँह और ये दूसरा साथी ये है क्राउड कंट्रोल, और प्लीज़ किसी को मारिए मत, हम नहीं चाहते कि बेकसूर लोगों का यहाँ पे खून बहे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, तो बेकसूर लोगों का खून यहाँ से नहीं बहना चाहिए। और आते ही हमने एक दरवाज़ा तोड़ दिया है। ए पपी भाई, ए यहाँ पे पैसे निकालने की मशीन पड़ी हुई है, अगर आपके पास इस बैंक में पैसे हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ए फालतू में अपने पैसे लूट लोगे, ए फायदा क्या है इसका, मुझे समझ में नहीं आ रही कुछ। अरे तू टेंशन मत कर, मैंने सारे पैसे अपने भी निकाल लिए और तेरे भी निकाल लिए, तो बिल्कुल टेंशन मत कर, तुझे जो कहा गया बस वही करियो यार प्लीज, मैस अब आउट उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना। ओके तो दूसरा डेमोलिशन का दौर भी हम तोड़ चुके हैं और नीचे ऑलरेडी 3-4 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं जिनको हमने एक ही सेकंड में धुआं कर दिया। तो अब हमारी जॉब है बहुत बड़ा लॉकर खोलना है, तो मेरे ख्याल से ये वो डिवाइस है जो कि हमने पहले मिशन के अंदर चोरी की थी, जो कि हमें दरवाज़ा खोलने में हमारी मदद करेगी। तो ये डिवाइस हम इसके अंदर लगा देते हैं, बिल्कुल माय कंप्यूटर एक्सटर्नल फोर्स और ब्रूट फोर्स के जरिए, जो हमने एक छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार की है उसके ज़रिए हम ये
दरवाजे को खोलेंगे और लगता है मुझे पासवर्ड होगा डेडलॉक। क्या पासवर्ड है हमारे लेस्टर मास्टर का? तो लीजिए, डेडलॉक को एक्टिवेट करते ही, हैक को एक्टिवेट करते ही हमारा ये दरवाज़ा खुल चुका है और एक और दरवाज़ा हमारे सामने है। अभी डेमोलिशन की जॉब है कि वो दरवाज़ा कैसे खोलेगा। चलिए भाई। अरे और पैगो वाले मुंह, तो कैसा है, ऊपर सब ठीक तो है ना? हाँ अभी भाई एकदम ठीक है। मैं ये लोगों के बटुओं में से पैसे निकाल रहा हूँ एक्स्ट्रा वाले, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम आए तो टैक्सी का खर्चा और खाने पीने का खर्चा वहीं से निकल आएगा। ए बुढ़ी औरत, पैसे निकल। और ये चैनी भी दे मुझे, ये बहुत महंगी चैनी पहन के रखी है अभी भाई, चैनी नहीं दे रही। बोलो तो आप इसके ठोक दो मैं इसको बुढ़िया को। अरे बंदर वाले मुंह, ये डाकुओं वाली हरकत मत कर, हम मिलियन डॉलर लूटने आया यार यहाँ पे। मिलियन डॉलर इज सो मच मनी और बिल्कुल नोटों की गड्डिया हमारे सामने पड़ी हुई है, तो फटाफट इन नोटों की गड्डियों को बैग में डाल देते हैं। और बंदर वाले मुंह, तो टेंशन मत कर, इतने पैसे हम लूट रहे हैं कि तू पूरी चैनियों की दुकान खरीद लेगा यार, तेरे अपना ज्वेलरी स्टोर होगा, तो तू टेंशन मत कर। ए भाई, ए मैं अपनी ज्वेलरी शॉप का नाम लिखूंगा बंदर का सोना। हाँ, 48 कैरेट गोल्ड। वाह, ये कैसा लगा आपको नाम, ये बंदर का सोना 48, जहाँ पे हम 48 कैरेट का सोना बेचेंगे। अरे बंदर वाले मुंह, तो टेंशन मत कर, अगर एक बार ये पैसा लूटने में कामयाब हो गए तो 48 कैरेट क्या, तू 72 कैरेट सोने की तू ईटे बेची हो, इतना पैसा है। तो चलिए, पैसा हमने सारा उठा लिया। अगर आप बैग में देखें तो नीचे लिखा हुआ है वी हैव $1 million इन अवर बैंक। तो आपको तो पता है बैंक लूटता ही पुलिस, जीटीए की पुलिस, लॉस एंजलिस की पुलिस, आर्मी, FIB, मेरीवेदर, टैंक, सारे हमारा हाथ धो के हमारे पीछे पड़े होंगे। ठीक इसी दरवाजे के पास पता नहीं कितने बंदे आएंगे। तो सारे गाइस रेडी? ओ माय गॉड, इतनी सारी पुलिस, डैम। अरे यार ये पैसे वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। आराम से दरवाजा खोलियो, अरे मरना चाहे, आराम से गाइस। ओके गाइस, अभी वक्त आ चुका है कि हमने कानून अपने हाथों में ले लिया है। हेलो, अरे गाइस प्लीज रुकना मत, तो भाग। अरे पैसा कैसे पानी की तरह हमारे बैग में से लीक हो रहा है। और फिलहाल ओ माय गॉड, वी हैव ड्रॉप्ड 20, ओ माय गॉड, मैंने $55,000 यहीं पे ड्रॉप कर दिए हैं यार, पैसा हमारा बह रहा है। तो प्लीज गाइस आराम से भागना है और रुकना नहीं है गाइस, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुके तो हमारा काम बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और अगर ध्यान से सुने, अगर ध्यान से देखें और लेस्टर भी उसकी आवाज अगर सुने तो पीछे से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है गाइस रुकना नहीं है, तो प्लीज डू नॉट स्टॉप, जस्ट रन एंड शूट गाइस, जस्ट रन एंड शूट। और बंदर वाले मुंह, किसी चेक पॉइंट को मत छोड़ियो, अगर एक भी चेक पॉइंट छूट गया तो हमारा पूरा मिशन यहीं पे फेल हो जाएगा। और मुझे सांस लेने दो। अरे क्या बात कर रहे हो यार, सबने बाजूका हाथ में पकड़ के रखी हुई है। तो बिल्कुल वी आर बाय द बाइक्स, तो जहाँ पे हमने बाइक्स पार्क की थी सिर्फ वो है जगह हमारे साथ। अरे गोली मत चलाइए मेरे दोस्त, मेरे पास बाजूका है तो दो बारिश तू भी क्या आएगा। और चॉपर्स बच गए गाइस, चॉपर को मारना बहुत जरूरी है क्योंकि चॉपर लोग जो है बिल्कुल ऊपर से गोलियां बरसाते हैं और मैं मेरा नया जैकेट हराम खोर ने खराब करते, बेवकूफ चॉपर ना हो तो। और बिल्कुल अबे हट जा सामने से, ओ माय गॉड, वी आर नीली देयर। तो मुझे लग रहा है कि हम $1 million का जो चूना है बैंक को सक्सेसफुली लगा के यहाँ से भाग जाएंगे। और जहाँ पे हमने बाइक्स खड़ी की थी ठीक उसी लोकेशन पर हम पहुँच चुके हैं। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एट द मोमेंट, फिलहाल सारी चीज़ें हमारी मुट्ठी में हैं, तो कोई भी गड़बड़ किसी ने नहीं करनी। चार बाइकें हैं तो हर एक की अपनी अपनी बाइक, और प्लीज़ एक दूसरे का साथ देना है। अरे मेरी बाइक के ऊपर मत बैठ, अगर दो बंदे बाइक के ऊपर बैठते हैं तो बाइक हैवी हो जाती है, बेवकूफ इंसान दूसरी बाइक ले ले, चार बाइकें पड़ी हैं यार, बाइक के ऊपर लड़ो मत, चार बाइकें हैं तो प्लीज लड़ो मत। और अगर एक बंदा गिर जाता है तो एक दूसरे का साथ देना है, वहां पे रुकना है और बिल्कुल उसकी हेल्प करनी है। और वेरिया अब जल्दी आओ यार, ओ माय गॉड, अगर मैप के ऊपर देखें तो चारों तरफ से पुलिस हमें पागलों की तरह ढूंढ रही है, दे आर क्रेजी, बस उनको हमें रोकना है, उनको हमें रोकना है, क्योंकि अगर हम ये पैसा लेके भाग जाते हैं तो ये तो यार बिल्कुल एल लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट LSPD के बिल्कुल मुंह पे तमंचा लगेगा। 5-star पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और बिल्कुल हमारे रुकने का तो नाम ही नहीं है। लसर में चीखे मार रहा, प्लीज डू नॉट स्टॉप गाइस। तुम क्या बंदर वाले मुंह, तो कैसा है मुझे पकड़ के रहेंगे यार, बिल्कुल पागल की तरह मुझे ढूंढ रही है,
हेलीकॉप्टर वाले भाव, ए हेलीकॉप्टर वाले भाव, ए गोली मत चला, ए ऊपर से मेरे ऊपर गोली चला रहे हैं यार, ए मेरे नए जूते खराब कर दिए इन्होंने। ए मम्मी भाई प्लीज यार, ये मिशन को मैंने नहीं करना। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी बस थोड़ा सा ही मिशन बचा है, सिर्फ 2.4 माइल का रास्ता हमें तय करना है, तो प्लीज कोई कचूमर मत करियो, हम वहां पे पहुंचने वाले हैं और वहां पे पहुंचते सार ही हमें $1 million मिलेगा और $2.5 लाख तुझे मिलेंगे, $2.5 लाख मुझे मिलेंगे, तो प्लीज कोई कचूमर मत करियो। मुझे पता तेरे जापानी मामा जी बहुत अमीर हैं, लेकिन तुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है कि नहीं होना। अरे लॉस सैंटोस की सिटी ही ऐसी है यार, तुझे जो काम करना है सब क्राइम से ही भरा हुआ है, तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। इस सिटी के अंदर जो भी है अपने लिए भाग रहे हैं, जो बाइक के ऊपर हमारे बंदे हैं ना, ये सारे अपने लिए भाग रहे हैं, सारे पैसे के लिए भाग रहे हैं, तेरी चिंता कोई भी नहीं करेगा। तो अगर तेरे पास पैसा है तो सिटी के अंदर तेरे दोस्त हैं, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो सिटी के अंदर कोई भी तुझे नहीं पूछेगा। तो मेक श्योर यू हैव मनी, और पैसा कमाने का GTA में इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। तो जस्ट बैंक को रॉब कीजिए और भागिए पागलों की तरह। तो अगर तू बाइक से गिर जाता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरे बचाने के लिए तुझे कोई भी नहीं आएगा। तो वो तो चाहते हैं कि तू रुक जाए, वो तो चाहते हैं कि तू भाग जाए, वो चाहते हैं कि तुझे चोट लग जाए, ताकि तेरा शेयर भी पैसों का उनको मिल जाए। तो प्लीज़ यार गिरियो मत, प्लीज़ आराम से आना यार, जस्ट बेयर विद मी, हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, तो प्लीज़ वी आर नीली देर, अभी कचूमर नहीं करना। और मैं कहाँ से जा रहा हूँ यार, मैं कहाँ से जा रहा हूँ। बबी भाई अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए वेट कर सकता हूँ, लेकिन आप तो मुझे बहुत आगे हो। ए बबी भाई मरना नहीं चाहता, ए पुलिस मुझे बहुत मार रही है, मेरी हेल्थ जाने वाली है, मैं घर जाऊंगा, मैं बाइक से गिरने भी वाला हूँ यार, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे मुझे बाइक नहीं चल रही। ए बबी भाई प्लीज मुझे बचाइए यार प्लीज। अरे बंदर वाले बू, सर थोड़ा सा रास्ता बचा है प्लीज, इतनी बड़ी सीरीज का कचूमर हो जाएगा अगर तूने बैंक लूटने में कामयाबी हासिल नहीं की, तुझे फिर से गांव जाना पड़ेगा, तो और मुझे नहीं लगता कि तू गांव की जिंदगी अब जी पाएगा। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक यू कैन एवर गो बैक टू योर टाउन। मैं कहां पे आ गया, मैं गलत रास्ते से जा रहा हूँ, डैम मैं गलत रास्ते से कैसे जा सकता हूँ यार। तो पैगो बंदर तू प्लीज, तुझे ये करना पड़ेगा, तो प्लीज यू गॉट टू डू इट। तो ये सीरीज तुझे कंप्लीट करनी है, पूरा कचूमर हो जाएगा अगर तू नहीं कर पाएगा, तो मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और ये जंगल रस्ते से मत आ यार, ये क्या कर रहा है, मरवाएगा ये बंदर मुझे, मरवाएगा। अबे ओ माय गॉड, इसके बिल्कुल पीछे पुलिस पड़ी होती, मैं काम करता हूँ ऊपर से इसको बैकअप देने की कोशिश करता हूँ, और हमारे दूसरे बंदे को भी पुलिस पकड़ लेगी। अबे क्लियर रस्ते से आ, ओ माय गॉड। ए पैगो बंदर तू बिल्कुल टेंशन मत कर, तो एक काम कर, मैं यहाँ तेरी वेट कर रहा हूँ, तो यही जल्दी यहीं पे है और यहाँ पे रुक के ड्रिंक्स वगैरह स्नैक्स वगैरह थोड़ी बहुत हेल्थ अपनी बढ़ा ले। और इसी के साथ ही हमारा एक बंदा साथ छोड़ चुका है, लेकिन प्लीज़ हिम्मत नहीं हारनी आपने, वी कैन डू दिस मिशन, वी कैन कम्प्लीट दिस मिशन। अभी भी हमारे पास एक लाइफ बची है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से उसको बैकअप देने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल पागलों की तरह, वो भी पूरी कोशिश। अबे अरे अपने बंदे को मत मार दियो, वो निकलो 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 गाइस निकलो निकलो, व्हाट बहुत ही डेंजरस लेवल का मिशन हो रहा है। तो बिल्कुल टनल के अंदर से हमने जाना है, तो चलिए बंदर वाले मुंह मेरे पीछे आ जा, और बिल्कुल टेंशन मत कर, ये मिशन हम ओए आगे और भी खड़े, तो यहाँ पे बूस्ट दबा दियो जैसे कि मैंने दबाया है, और एक बंदा हमारा सामने वेट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, जो भी आपका नाम है, तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है, लेकिन है कुछ अपने दोस्त बन जाते हैं हमारी GTA की ऑनलाइन के सफ़र में, कुछ ना कुछ दोस्त बन जाते हैं, अच्छे बंदे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो बंदे आपको पता है एक नंबर के कमीने हैं, सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको अच्छे बंदे भी मिल जाएंगे। राइट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अच्छे बंदे और बुरे बंदे, लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम, वी आर नियरली देयर। एक नया अपडेट आ चुका है, बिल्कुल 9.5 माइल का रास्ता हमने तय करना है, और मुझे पता नहीं है वहाँ पर जाके क्या होगा। तो अबे लसल फिर से बोल रहा है, तो एक मिनट उसकी बात ज़रा सुन लेते हैं। ओके रिकिटी ओल्ड ब्रिज, ऑलराइट समझ गए, ओके दैट्स द ओनली वे आउट। ओके बंदर वाले मुंह, तो अभी जो है तेरी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, तो जस्ट काम कीप इट, वो मैं गिरने वाला हूँ, तो जस्ट कीप इट काम बंदर वाले मुंह, और मैं तुझे समझाऊंगा, आराम से सुनिए अभी मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ से हमने ब्रिज के ऊपर से छलांग मार के, बाइक को छोड़ के, हमने पैराशूटिंग करके, हमने एक बोट के अंदर बैठना है, ठीक है।
तो ये प्लीज यार ये फेल मत कर दियो। ए पवन भाई, ये क्या पागल वाली बातें कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मैं सर्कस का जोकर हूँ? ये बाइक से छलांग मार के पैराशूट खोल के बोट के अंदर बैठ जाऊंगा। ये कितनी फिल्में देखती हो आप? ये लश्कर वाले भाव को पहले फोन लगाओ, मैं खुद साले से बात करूंगा। ये कैसे कैसे काम करने के लिए बोल रहा है यार? अरे मुझे, मैंने बताया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस, घर जा रहा हूँ मैं। मुझे मिशन नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ यार। ए मैं मर जाऊंगा, ये मुझे प्रिजन वाले ले जाएंगे या तो मेरी टांग वांग टूट जाएगी। ये कैसे कैसे काम मुझसे करवा रहे हो? देख बंदर वाले मुंह, मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड काम है तेरे लिए, लेकिन तू कर लेगा। आई थिंक यू कैन डू इट। आखिर तो बहुत खतरनाक जो है, तो अगर तू नहीं कर सकता, अगर तूने ये मिशन नहीं किया, तो तुझे अपने आप को खतरनाक कहने का कोई भी हक नहीं है, ठीक है? तो अगर तूने घर जाना तो जा, तो बिल्कुल ठीक जहाँ से तू। अरे जोम्बी टाउन, ये तो सीक्रेट टाउन है। अबे तू सीक्रेट टाउन के अंदर क्या कर रहा है? तुझे पकड़ लेंगे यार वो। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा है? ओके, अगर तुझे लगता है कि तू खतरनाक नहीं है, तो आगे से कभी अपने आप को खतरनाक मत बोलियो। लगता राजी हो गया। ओके गाइस, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है और यहीं से हमने छलांग मारनी है। राइट, हियर वी गो। तो बूस्ट पाते ही छलांग मारते ही अपने पैराशूट को यहीं से खोल लेना है, और मेरा पैराशूट नहीं खुल रहा। वो बच गए। डैम, क्या व्यू है यहाँ से यार, एकदम मस्त। अबे जा रहे हैं यार, तो टेंशन मत कर, हम जा रहे हैं। और गाइस प्लीज आराम से नीचे आना, अगर कोई यहाँ पे गिर जाता है, कोई यहाँ पे मर जाता है, तो वी हैव टू स्टार्ट All over again, पूरा सेटअप का कबाड़ा हो जाएगा, पूरी सेल्स का कबाड़ा हो जाएगा, पूरे मिशन का कबाड़ा हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। बिल्कुल थोड़ा सा ही रास्ता हमने कवर करना है, और ठीक पानी के अंदर ये जो पानी की लहरें जा रही हैं, ठीक उसके अंदर हमारी सामने एक छोटी सी डेंगी बोट खड़ी हुई है, प्लास्टिक की इन्फ्लेटेबल बोट हमारी पानी के अंदर खड़ी है। और तो इस बोट के अंदर बैठते सारे हम यहीं से रफू चक्कर हो जाएंगे, और हमारी जेब में मिलियन डॉलर आ जाएगा। तो मैं काम करूँ, मैं फटाफट बोट के अंदर बैठ, ओए पानी भी बहुत ठंडा रखा है इन्होंने यार। ओके, तो मैं फटाफट बोट के अंदर बैठ के मैं बोट को रेडी करता हूँ, ताकि जैसे ही वो बोट के अंदर बैठेंगे, यहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जाएंगे। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, वी कैन नॉट वेस्ट एनी टाइम, हम एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। वी सो फॉर पैगो बंदर, तूने कर दिया, यू डन इट। You done it. हमने कर दिया, हमने बैंक लूट लिया, हमने पैसिफिक हाइट्स की पूरी बैंक लूट लिया, इनको पता भी नहीं चला। हाँ हाँ, इससे तो ये साबित होता है कि मैं बहुत खतरनाक हूँ और मैं बहुत चलाक हूँ। अब मैं धुएं वाली गन बंदा आर के सबको मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है, अब हम रामू की बिरयानी खाएंगे, हम रामू को खरीद लेंगे, हम पूरे रामू का बिजनेस ही खरीद लेंगे, तो वो सिर्फ हमारे लिए वो बिरयानी बनाएगा। हाँ हाँ, मजा आ गया। क्या बात है यार, हमारे बंदर वाले मुँह, वाकई में मजा आ गया यार। तो लीजिए एक बार फिर से हम GTA की दुनिया में पैसा दार हो चुके हैं, बहुत पैसा हमारे पास। और लीजिए कैसे लग रही है हमारी रात के अंधेरे में हमारी ब्यूटीफुल सिटी। पैसे के साथ तो हमारी सिटी भी और ब्यूटीफुल हो चुकी है। तो लीजिए, पैसिफिक स्टैंडर्ड जॉब इज नाउ कंप्लीट। थैंक यू सो मच बंदर वाले मुंह। तो ऑनलाइन के दाव पेज तो सीख चुका है, पेज बहन भी अब भी बहुत खुश होगी, एकदम मस्त तरीके से उन्होंने काम किया बंदर वाले मुंह, थैंक यू सो मच। तो लीजिए, पूरे ऑनलाइन के दाव पेज हमारा बंदर सीख चुका है, तो एक दाव पेज में इसका वेट कर रहा हूँ। क्या बात है यार, सबको उड़ा दिया तूने, तो बस इसी चीज़ का मैंने वेट करना था। मैंने बंदर को बोला भी नहीं कि मिशन के बाद सबको मार दियो। तो हमेशा की तरह ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा ही होता है, जैसे ही मिशन पार होता है, तो बाकी आपके साथ ही आपको हमेशा की तरह मार देते हैं। और हमारे बंदर ने ठीक वही किया जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो उससे ये पता लगता है कि हमारा प्यारा पैगो बंदर जो है फुली ट्रेन हो चुका है ऑनलाइन की लाइफ जीने के लिए। अब इस पर डिपेंड करता है कि अब इसने ये लाइफ ऑनलाइन में जीनी है या ऑफलाइन में जीनी है। तो हमारे बंदे भी आ चुके हैं। अरे थैंक यू भाई, आपने हमारी बहुत हेल्प की इस मिशन के अंदर। तो पूरा बंदर जो है ऑनलाइन के दाव पे सीख चुका है, उसको पता है कि बंदे को कब हायर करना है, उसको पता है कि बंदे को कब मारना है। तो जैसे ही मिशन ख़त्म हुआ पैसिफिक हाइस, अभी उसने सबको मार दिया। तो आई एम सो ग्लैड ही डिड दैट, बहुत ही मज़ा आया। तो चलिए पैगो बंदर, तेरा मेरा रास्ता यहीं पे ख़त्म होता है, तेरा मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। See you later. ए बाबी भाई, आप कहाँ पे जा रहे हो? ए मैं आपको घर में मिलता हूँ।
अरे ये मुझे छोड़ के मेरे लिए वेट तो करिए ना, आप कहाँ पे जा रहे हैं, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ पे। बंदर वाले मुंह, आई डोंट थिंक यू नीड मी नो मोर। मुझे नहीं लगता कि अब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन की दुनिया में रहने के लिए। तुझे सब कुछ पता है, तुझे सब कुछ पता है कि क्लब का बिजनेस कैसे चलाना है, तुझे सब कुछ पता है कि व्हीकल कार्गो का बिजनेस कैसे करना है, तुझे सब कुछ पता है कि बंकर कैसे करने हैं, मिशन कैसे करने हैं, पुलिस को कैसे चकमा देना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे वेस्ट करना है, नाइट क्लब में क्या करना है, अय्याशी कैसे करनी है, गुलछर्रे कैसे उड़ाने हैं, तुझे सब कुछ पता है यार। अब तो तुझे बैंक लूटना भी पता लग गया। तो आई थिंक गाइज, बंदर वाले मुँह, आई डोंट थिंक यू नीड मी नो मोर। तो ऑनलाइन का बिजनेस सामने का तो सिर्फ एक बहाना था तुझे ऑनलाइन में लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि तू ऑनलाइन की दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और इस मिशन से पता लगता है कि हमारा बंदर वाला मुँह बिल्कुल पैरों पर खड़ा हो चुका है, उसको हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ही डज़न्ट नीड अस, ही डोंट नीड अस, उसको सारे दाव पेच पता लग चुके हैं। तो अब वो हमारा बंदर जो है पूरा इंडिपेंडेंट है, वो ऑनलाइन में भी जा सकता है और वो ऑफलाइन में भी जा सकता है। तो चलिए भाइयों, मुझे इस सीरीज़ में बनाने में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो ये था सीरीज़ का फाइनल मिशन। और बात रही बंदर के दोस्तों की, तो मैंने हर रोज़ ड्राइवर को फ़ोन करके पूछा, एवरी सिंगल डे मैंने ड्राइवर से फ़ोन करके पूछा कि हमारे बंदर भाई के दोस्तों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो लुमड़ी बहन, गाय बहन, शेरू का भांजा शेरू और एक और भी था, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ड्राइवर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि पम्मी भाई एवरीथिंग इज़ फाइन, बिल्कुल सब बढ़िया है। तो ये सीरीज़ गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सीरीज़ बनाने में। आप देख सकते हो कि हम अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे ऑनलाइन में बहुत दोस्त मिले, जैसे कि राठौर भाई, ईशांत भाई, अर्चित भाई, बहुत से लोगों ने हमारी मदद की यार, बहुत सारे लोगों ने मदद की। सैंडी भाई जो हमेशा हमारे साथ मदद करने के लिए हाजिर होते हैं। तो एवरीवन हेल्प्ड अस इस सीरीज़ में, वाकई सब ने इन्जॉय किया, आपने भी इन्जॉय किया, हमने भी इन्जॉय किया, बंदर वाले मुंह ने भी इन्जॉय किया, और बहुत मज़ा आया। और मुझे दुख हो रहा है यार इस सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। सिलेंडर मैन की सीरीज़ ख़त्म हुई तो चलो कोई बात नहीं, उसका ख़त्म होना मुमकिन था, उसका ख़त्म होना पॉजिटिव था। और उसके बाद जॉम्बीज़ की सीरीज़ ख़त्म हुई तो वो भी ख़त्म होना उसका मुनसिफ था, उसका ख़त्म होना पॉसिबल था। और ये रहा वो बैंक जो कि हमने अभी लूटा मज़ा आ गया यार। और इसके बाद हमने मनी सीरीज शुरू की, तो ये थी मनी सीरीज़ जो कि फाइनली अभी एंड होती है। तो लीजिए भाइयों, ये था मनी सीरीज़ का फाइनल एपिसोड और ये था मनी सीरीज़ का फाइनल मिशन। अरे बाप रे, आप बैंक के अंदर भी जा सकते हो, हेलो, अरे बाहर आ जाइए भाई। तो लीजिए, पूरा बैंक खाली हो चुका था, पूरे बैंक का दिवाला हमने निकाल दिया यार। तो यहाँ पर तो मजदूर भी नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं सामने जाकर देखता हूँ कि वो जो डोर था वो अनलॉक होता है कि नहीं होता। आई थिंक हमें अंदर जाने की मतलब कि परमिशन तो होनी चाहिए, नहीं, डोर लॉक्ड है। तो भाई मैं ये कह रहा था कि हमारी मनी सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे ऑनलाइन में बहुत मज़ा आया। अगर जो आप हमारे साथ खेलते हो ऑनलाइन की दुनिया में, अगर आपको हमारे साथ खेलने का मौका मिला है तो थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग यार। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, अगर मैंने कुछ अनाप शनाप बक दिया हो, या कोई मिशन में कोई अनाप शनाप हो गया हो, तो आई एम सो सॉरी। और थैंक यू वंस अगेन फॉर सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग यार। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। और जाने से पहले प्लीज़ हमारे नए चैनल जिसका नाम है चूरन, जहाँ पे हम एवरी डे, नियरली एवरी डे लाइव जाते हैं। और आप वहाँ, अरे राठौर भाई बहुत भंगड़े पा रहे हो आजकल आप यार बहुत खुश नज़र आ रहे हैं मुझे राठौर भाई एकदम से। अरे यार ये पीठ मत दिखाओ तो लीजिए भाइयों, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो, इन फैक्ट दैट इज ऑल आई गॉट फॉर दिस सीरीज। तो ये था मनी सीरीज का फाइनल एपिसोड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल See you in my next video. Take care, everyone, and bye-bye.